हेलो हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रोबो विक्रम सिंह, फर्स्ट इंडियन क्रिएटिविटी बबल आर्टिस्ट डांसर। सबसे पहले तो मैं नचले उत्तराखंड की पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने उत्तराखंड को एक बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म दिया, और साथ ही जितने भी फाइनलिस्ट हैं उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। इस शो की बात करो तो इस शो को देख के बहुत मजा आता था, और ऐसा लगता था कि जैसे कि बाकी रियलिटी शोज होते हैं सेम उसी तरह आप लोगों ने भी इसको क्रिएट किया था। तो बहुत अच्छा काम था पूरी टीम का और सभी कंटेस्टेंटों का, तो थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट। और मैं नचले उत्तराखंड शो की बात करूं तो ये 3 जनरेशन में कंपटीशन हुआ था, और तीनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। और जनरेशन 1 की बात करूं तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था बच्चों का तो एक कंपटीशन नाम के लिए, लेकिन असली कंपटीशन जो बैक स्टेज जो पेरेंट्स लोगों का चल रहा था कि अपने अपने बच्चों को जिस तरह से आप लोगों ने कॉस्ट्यूम और मेकअप और हर एक चीज जो आपने ध्यान दिया, जो आपने सपोर्ट किया, और स्पेशली लोकेशन इतने प्यारे थे, तो थैंक यू सो मच पेरेंट्स कि आप लोगों ने बहुत दिल से मेहनत करी और आपने दिल से सपोर्ट किया। और मैं 3rd जनरेशन की बात करूं तो मुझे सब लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, वो इसलिए क्योंकि आप सभी लोग एकदम इंजॉय करके परफॉर्मेंस करते थे, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था। और आप लोग का डांस देख के बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा, जो लोग स्पेशली डांस करने का तो मन होता है लेकिन अंदर से सोचता जब तक हमें कोई 5-6 बार ना बोल दे तब तक हम ना करें, लेकिन वो लोगों ने आपका डांस देखा होगा तो वो लोग अभी नेक्स्ट टाइम से वो लोग भी जरूर कोशिश करेंगे। और आप लोग का सब लोग का डांस बहुत अच्छा था। और मैं बात करूं 2nd जनरेशन की, तो यार सबसे पहले तो यार आप सभी को थैंक यू कि आप लोगों ने उत्तराखंड के गानों में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। सभी लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने हर किसी ने नया करने की कोशिश करी और सब लोगों ने किया, और वो सब लोग को दिख रहा है। और मैंने लास्ट एपिसोड में परफॉर्मेंस, तो यार आप सब लोग बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग बहुत आगे जाओगे, इस तरह नाम रोशन करोगे अपने मम्मी पापा और अपने गांव और अपने देश का। तो हमेशा मेहनत करते रहिए और ईमानदारी के साथ, और आगे बढ़ते रहिए, और मैं हमेशा आप लोगों के साथ। साथ ही नचले उत्तराखंड की पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगा फिर से एक बार कि आपने जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, तो मुझे आगे भी पूरा भरोसा है कि आप आगे भी बहुत सारे चीजें बहुत से प्लेटफॉर्म देंगे, और तो इसी तरह करते रहिए काम। तो थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट। भाई इनकी मेहनत देख के लग रहा है कि ये सब जीतना चाहते हैं नचले उत्तराखंड को, तो चलिए बिना वक्त गवाए बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट जो कि है 1st जनरेशन से गाजियाबाद की कृतिका शर्मा। नमस्कार, मेरा नाम कृतिका शर्मा है और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रहती हूँ और मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। नचले उत्तराखंड के बारे में हमें फेसबुक से पता चला था, हमने देखा कि राखी धुनाई जी ने एक पोस्ट डाला था जिसमें उत्तराखंड की ऑनलाइन डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, तो हमने सोचा पार्टिसिपेट किया जाए। मैं सोचती हूँ कि नचले उत्तराखंड एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि इसमें उत्तराखंड की आन बान शान, यहाँ के लोग, यहाँ का टैलेंट, यहाँ की संस्कृति झलकती है, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। जब मैं टॉप 12 में सेलेक्ट हुई थी मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि देश भर से लोगों ने अपनी वीडियोज़ दी थी और उन लोगों का डांस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और उन सब में से टॉप 12 में सेलेक्ट होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वैसे तो सारे कंटेस्टेंट ही अपने में काफ़ी ज़्यादा खूब हैं, लेकिन मेरी सबसे फेवरेट है रिधिमा बेस्ट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और उसके एक्सप्रेशंस तो पूछना ही मत, मतलब उसके एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चारों के चारों मेरे लिए कॉम्पिटिटर है क्योंकि वो चारों अपने एलिमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। प्राची शर्मा के कथक और उसके डांस स्टेप्स काफ़ी ग्रेसफुल हैं, बगीसा पंत की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, रिधिमा बिष्ट की भी एनर्जी और उसके एक्सप्रेशंस भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, और प्राची आर्या के भी स्टेप्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, प्लस उसका बैकड्रॉप तो काफ़ी सुंदर रहता है, तो चारों मेरे लिए कॉम्पिटिटर हैं।
द अननोन डिजाइनर्स। अब आपके सामने आने वाले हैं सेकंड जनरेशन के सूरज रौथान, जो कि हैं देहरादून शहर से। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है सूरज रौथान और मैं भाने वाला देहरादून उत्तराखंड से हूँ। मैं एक डांस एंटरप्रेन्योर हूँ और साथ ही एक परफॉर्मर भी, और मैं पिछले 5 सालों से डांस कर रहा हूँ। एक पहाड़ी गाना, मेरे को बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई तू पहाड़ी गानों में ही क्यों डांस करता है, हिंदी गानों में क्यों नहीं करता। मैं हिंदी गानों में भी करता हूँ, बट पहाड़ी गानों में ऐसा हो गया कि इधर फील आता है उस गानों में करने में। और जब से नचले उत्तराखंड के बारे में मैंने सुना कि पहाड़ी गानों में ही डांस करना है, तो मेरा ऐसा हो गया मन की बात, मेरा मन की ऐसा हो गया कि भाई ये तो तेरे लिए शो बना है। टॉप 12 में आना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बनता है, मतलब मैं करता हूँ हार्डवर्क इस चीज़ के लिए। टॉप 5 में आने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि तब ऐसा हो जाता है कि आप टॉप 5 में इतने सारे डांसर्स को पीछे छोड़ के आप मतलब टॉप 5 में आए हैं। नचले उत्तराखंड के बारे में कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक शो है, मतलब ऐसा शो आज तक पहाड़ में तो किसी ने नहीं देखा और ना आज तक किसी ने भी ऑर्गेनाइज किया है इसको कभी ऐसा शो। लोकल कंपटीशन बहुत देखे, फोक डांस कंपटीशन भी बहुत देखे, बट इस टाइप का शो मतलब मेरे दोस्त कह रहे हैं भाई ये कौन से टीवी पे आ रहा है, कौन से चैनल पे आ रहा है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल टीवी वाला, मतलब आशीष सर ने इसको इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है कि लोगों को लग रहा है ये टीवी में आ रहा है। तो बहुत बड़ा शुक्रिया सर आपको, मतलब आपने इसको इतना इंटरेस्टिंग बनाया। कंटेस्टेंट्स की बात करूँगा तो सारे अच्छे हैं, मतलब फाइनल में ऐसा है कि सबका अपना अपना स्टाइल है, कोई एक जैसा नहीं दिख रहा है। जिसको आप देखोगे उसको देख के मजा आ रहा है कि वाह ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। सच बताऊँ तो मैं किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता, मैं अपना कॉम्पिटिटर खुद को मानता हूँ। इसलिए मेरा सोचना ये है कि कॉम्पिटिटर जब मैं किसी को समझता हूँ तो मतलब ऐसा हो जाता है कि मुझे उसको हराना है या मुझे, मैं उसके लिए नेगेटिव हो जाता हूँ पूरा, तो मैं वो चीज़ नहीं रखता वहाँ पे। अरे अच्छे हैं तो जो बेस्ट होगा वही जीतेगा। Come on baby, won't you be my girl? Come on girl, let me rock your world. Come on. Come on. अरे वॉल्यूम कम कर। आई रे आई रे आई रे, अलबेली मस्तानी तूफानी मनमानी, आई रे आई रे आई रे आई रे आई रे। अरे वंस मोर, अरे गलदम सलदम समान क्या था, डिंगा मुंगरी तथे बचा, झटपटम चटपटम जककम हुए सकम, ये बेना हुड़की बजाए दे, ये बुलू घुट्टी पिले दे, जिठो हाथ हले दे, साबरी ठुमका लगे रंग जमे दे, सरकारी न्याण साबरी सरकारी न्याण, सभी प्रतिभागियों से मैं कहना चाहता हूं कि टाइटल भले कोई भी जीते मगर दिल आप सब जीत चुके हैं। और हाँ, नचले उत्तराखंड जैसा कॉन्सेप्ट लेके आने के लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मेरा गाना अपने प्रमोशनल्स वीडियो के लिए यूज करने के लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। रंगीलो पहाड़ का जो आपने म्यूजिक अपने इस कॉम्पिटिशन के प्रमोशन के लिए यूज किया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ इस प्रोग्राम से जुड़ने का। और जरूर देखिए नचले उत्तराखंड का ग्रैंड फिनाले। तो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था थर्ड जनरेशन के बारे में कि इन लोगों के पास होता है अनुभव का पिटारा, और इनके पास होती है हर बार एक इच्छा कि कुछ अलग किया जाए, कुछ नया किया जाए, और इसी वजह से ये लोग बड़े खास होते हैं। मैं कह सकता हूं कि जो अगली परफॉर्मेंस आने वाली है वो होगी बड़ी भारी, क्योंकि गुरुग्राम से आ रही है संतोषी कोठारी। यहाँ प्यारी प्यारी कभी कैप कभी घाघरा कभी साड़ी, जी हाँ संतोषी कोठारी। तो देखते हैं नचले उत्तराखंड में इनकी ये प्रस्तुति। मेरे प्यार भरो नमस्कार सभी उत्तराखंडी भाई बहनों ते, मेरा नाम है संतोषी रावत कोठारी, मैं पौड़ी गढ़वाल की नौनी छूं, ग्राम थापला पट्टी रिंगवाड़ से हूँ।
यहाँ मैं गुरुग्राम में अपने फैमिली के साथ रहती हूँ। जब मुझे अरुणाचल उत्तराखंड के बारे में पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके टैलेंट को सभी देख सकते हैं। मैं 5 साल की उम्र से स्टेज में परफॉर्मेंस देती आई हूँ, लेकिन आप जब स्टेज में परफॉर्म करते हो तो एक बहुत ही छोटा एक ऑडियंस और सेक्शन होता है जो आपको अप्रिशिएट एक्नॉलेज कर सकता है, वर्सेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ ना कि सिर्फ देश और विदेश में सब आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। मेरी सिस्टर राजेश्वरी रावत जो शिकागो इलिनॉय USA में रहती हैं, उन्होंने मुझे आशीष बोरा जी के लाइव परफॉर्मेंस शो के बारे में बताया, नचले उत्तराखंड के बारे में। इसका मतलब यही है कि आशीष बोरा जी, थैंक यू सो मच टू यू एंड एंटायर टीम। सिर्फ दिल्ली देश में ही नहीं, इनफैक्ट पूरे विदेश में आप लोगों की इतनी ज़्यादा नाम है। इंडीड मेरी फैमिली, कोठारी परिवार, रावत परिवार बहुत खुश हुए इसको जान करके, उसको देख करके। फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, उसमें मुझे वागीशा पंत बहुत पसंद है। सेकेंड जनरेशन में बहुत प्यारी सी लड़की है दीपाली पटवाल। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, जो कि मेरे जनरेशन में सभी लड़कियां बहुत ही अच्छा डांस कर रही हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं, लेकिन एक कंटेस्टेंट हैं, उनका नाम है बबीता नेगी जी। ये भी डांस में दिखना नहीं चाहिए भाई, कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन से किसी भी कीमत में कम है। एंड आई विश ऑल द कंटेस्टेंट्स, ऑल द जनरेशंस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एंड आशीष बोरा जी, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत। So hello everyone, this is Neo Harswan and I am very glad कि नचले उत्तराखंड डांस शो को इतना अच्छा प्यार मिल रहा है, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के बाहर भी बहुत अच्छे रिव्यूज सुनने को मिल रहे हैं। सबसे पहले क्रोस टू दी टीम कि वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए, एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए जिसमें हर एक पार्टिसिपेंट अपने घर बैठे बैठे अपने डांस वीडियोज बनाकर और सेंड कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इस पैंडेमिक के दौर में ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आना ये बहुत बड़ी बात है। टीम को मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही साथ जितने भी टॉप 15 कंटेस्टेंट्स जो कि फिनाले में गए हैं, उनको मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ। तो जुड़े रहिए, बने रहिए नचले उत्तराखंड के साथ, और जल्द ही मिलते हैं। सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मेरी बधाइयाँ, और साथ ही साथ देखते हैं कि 15 कंटेस्टेंट्स में से कौन बाजी मारता है। तो जुड़े रहिए भाई। अब लग रहा है कि ये फाइनल्स हैं, है ना? इतनी मजेदार परफॉर्मेंस और एनर्जी देखिए सब लोगों में। इतनी मेहनत करी है फाइनल के इस एपिसोड के लिए हमारे कंटेस्टेंट्स ने। आगे भी देखना, एक से बढ़कर एक आपको परफॉर्मेंसेस दिखेंगे।
जो कंटेस्टेंट्स अभी तक घर पर डांस करते थे, घर की छत पर डांस करते थे, वो कंटेस्टेंट्स इस फाइनल के लिए, नचले उत्तराखंड को जीतने के लिए बाहर निकले हैं और इतनी बढ़िया तैयारी के साथ प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, पूरी जगह को यूज़ कर रहे हैं। मतलब एक ही एम है माइंड में कि नचले उत्तराखंड को जीतना है एनी हाउ। तो अगले परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं और उनको बुलाते हैं जिन्होंने सेमीफाइनल्स में सारे जजेस के दिल जीते हैं अपने डांस से और इस बार भी ज़रूर जीतने वाली है। तो स्वागत कीजिए फर्स्ट कैटेगरी से एनर्जी की पिटारा अल्मोड़ा द्वाराहाट से 10 साल की प्राची आर्या का। नमस्कार उत्तराखंड, मेरा नाम प्राची आर्या है, मैं उत्तराखंड में अल्मोड़ा द्वाराहाट से हूँ। मैं 10 साल की हूँ, मैं द्रोण पब्लिक स्कूल में 5th क्लास में पढ़ती हूँ। नचले उत्तराखंड के बारे में मेरे पापा को फेसबुक से पता चला। नचले उत्तराखंड एक बहुत अच्छा कंपटीशन है जहाँ सभी को मौका मिल रहा है अपना डांस सिखाने का। जब मैं टॉप 12 में सेलेक्ट हुई थी तब मैं बहुत खुश हुई थी। वैसे सभी लोग अच्छा डांस कर रहे हैं लेकिन मुझे रिधिमा के एक्सप्रेशन अच्छे लगे और किसी का दीदी में एनर्जी बहुत अच्छी है। मैं रिधिमा विश्व का अपना कॉम्पिटिटर मानती हूँ और मैं फाइनल राउंड के लिए बहुत तैयारी कर रही हूँ और मैं फाइनल राउंड जीतना चाहती हूँ। कन लगड़ू जे मजा आणू छे कि नहीं आणू? तो यू भी एक अपड़ू ही मजा छे कि ऑनलाइन डांस कंपटीशन हमन करे और आप लोगों इतना प्यार दे। तो जन के आप जनदा छा कि कह भी सफल आयोजन का पिछने एक पूरी टीम को हाथ हो दो। जी हाँ, तो मैं अपनी पूरी टीम, नचले उत्तराखंड की पूरी टीम की जो यूं कड़ी मेहनत करी और वहां को यू नतीजा छे कि आपका समणी इतना खूबसूरत तरीका से यू इवेंट हम लेके आ सक्या, तो मैं पूरी टीम को बहुत स्वागत कर दू छो और मैं बहुत खुश छो कि मैं ई टीम को एक हिस्सा छो। तो अब आपका समणी अपनी परफॉर्मेंस लेके जो आना छन वो छन भूपेश कुमार, सेकंड जनरेशन बेटी, चंडीगढ़ बेटी आना छन। तो एंजॉय करा ये परफॉर्मेंस। मेरी तरफ से सभी भारतवासियों को नमस्कार। मेरा नाम भूपेश कुमार है और बेसिकली मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ और मैं यहीं पर ही जॉब भी करता हूँ। नचले उत्तराखंड के बारे में मुझे मेरे एक भैया ने बताया और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मुझे ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा जब मैं ऑडिशंस में सिलेक्ट हो गया क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने डांसिंग छोड़ी हुई थी और नचले उत्तराखंड की वजह से मुझे फिर से डांस करने का मौका मिला है। मुझे लगता है सभी कंटेस्टेंट जो हैं उन सबकी अपनी एक डिफरेंट क्वालिटी है, उनका एक डिफरेंट लेवल है और मेरे लिए सभी कॉम्पिटिटर्स हैं। किसी की एनर्जी बहुत अच्छी है, किसी का स्टाइल बहुत अच्छा है, किसी के डांस मूव्स बहुत अच्छे हैं। जैसे जैसे मैंने ऑडिशंस क्लियर किया देन सेमीफाइनल तक पहुंचा और सेमीफाइनल भी क्लियर किया, तो जितने भी लेवल्स मैंने पार किए हैं हर लेवल के बाद जो मेरी प्रैक्टिस है वो हमेशा बढ़ती रही है और इस बार तो काफ़ी प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, बट ये है कि मुझे मेरा बेस्ट देना है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू नचले उत्तराखंड, थैंक यू। Boom, 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 boom.
हेलो अरे डमना रख मूडी है और सुन यू जबराट खिले भाई बीड़ी बुझो बुढ़िया है पर बोलो डुंगन का पास बोराई बड़ी चली मेरे टके चोरी का मटा खेली मुंजा सुनी मिल गिटार ना ढोल के ताल सभी का ना रैप हो बांदरिया शिया भीड़ को ची बल कानों में भेजी आंखी पोची भर माइंड में भेजी घर घर हुड़ के बज दे सेट भी जमे थोड़ी हिला दे सूट बूटी पेरी पानी में बाले अपना बड़ी मारी मैंने फाल कैमा बताने है काके लुकाने जग देखा बखे लगनो मंडाने खाता मैं एकी पैटर्न मोई जी की जग घूमी की बल भेगी मैं से की का हाथ नहीं औरो ना मैं छुई लगालो जंकाल धन सी मेरे पुंगुडू है बोलू मैं सची स्वर की कची कन पैरां दी साड़ी गोठर दा पकम बम ए मा, अरे असली असली अरे पचास तोला कितना पचास तोला अरे आशीष भाई क्या हाल है यार। अरे बाबा आप यहाँ। अरे यार मेरे को ना डांस मतलब मेरे को परफॉर्म करना है यार। परफॉर्मेंस? लेकिन ऑडिशन तो 2 महीने पहले हो चुके हैं। ऑडिशन खत्म हो गए? अरे यार तो मैं जुड़गेज बनूंगा यार। जुड़गेज? ये जुड़गेज क्या होता है? अरे यार जुड़गेज मतलब वो होता है ना कोई परफॉर्म करता है तो वो रोते हैं वो। अच्छा 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 जजेस वही। अरे बाबा जजेस तो पहले से डिसाइड हो चुके हैं, अजय भारती, तुषार भट्ट और वीना रावत। अरे यार डिसाइड हो गए तुम लोगों का ही, पर यार कोई बात नहीं, अगली बार मैं बनूंगा पक्का ही। एक चीज कहना चाहता हूँ कि बच्चे लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और सपोर्ट है। आई लव माई कंट्री एंड आई रिस्पेक्ट इट टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड आई लव यू ऑल यार। अरे वाह आप भी देखते हैं नचले उत्तराखंड? अरे मैं देखता हूँ यार कसम से, और यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी देखो और हंसो, मतलब हंसो हंसाओ गाना है नहीं तो गाना है कैंसल, आप देखो नाचो और जुम्मे का नाचे का मेरा पहाड़ यार। थैंक यू सो मच भाई। अपनी पावर पैक्ड परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं थर्ड जनरेशन से नजफगढ़ की बबीता नेगी, तो चलिए देखते हैं इनका धमाकेदार परफॉर्मेंस। नमस्कार मेरा नाम बबीता नेगी है और मैं उत्तराखंड के अल्मोड़े जिले के मानीला से हूं और मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूं। नचले उत्तराखंड के बारे में मुझे फेसबुक में एक पेज है देख मिस्टर जोक्स उत्तराखंड, वहां के थ्रू पता चला। जब मैं टॉप 12 में सेलेक्ट हुई तो मैं बहुत उत्साहित थी कि मेरे इसमें सिलेक्शन हुआ है। नचले उत्तराखंड में मेरे फेवरेट अगर मैं बोलूं कोई कंटेस्टेंट है तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, सारे ही कंटेस्टेंट मेरे फेवरेट हैं, सभी बहुत अपना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सबको ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मैं अपने कॉम्पिटिटर की बात करूं तो दीपाली बिस्ट जी को मैं अपनी एक अच्छी कॉम्पिटिटर मानती हूं, उनको ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर मैं ये कहूं कि मैं नेशनल उत्तराखंड के बारे में क्या सोचती हूं तो मैं कहूंगी कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां सभी उम्र दराज के लोग, सारे बच्चे, सभी युवा वर्ग अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, अपने टैलेंट को निखार सकते हैं और ऐसे ही उनको एक आगे मार्गदर्शन मिल सकता है बढ़ने के लिए। नेशनल उत्तराखंड की अगर मैं कहूं कि मेरी क्या तैयारी है तो मैं अपना लेवल बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूं बिल्कुल पूरी तरीके से। मैं इतना ही कहूंगी, धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।
चली शो की जनी दानी मेरी गल्या तो बांझ की जड़ों को मिठू पानी मेरी गल्या तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूहन भारद्वाज और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं नचले उत्तराखंड की पूरी टीम को जिन्होंने कि उत्तराखंड में और ऑल ओवर इंडिया के लिए एक नया डांसिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन डांसिंग प्लेटफॉर्म लेकर के आए और जिसमें आप सभी लोगों ने प्रतिभाग लिया। नचले उत्तराखंड के मैं सारे एपिसोड ऑनलाइन देखता हूं और इसमें काफ़ी अच्छे कंटेस्टेंट हैं, जैसे सूरज, दीपाली, कृतिका, रिधिमा, प्राची है, अंजलि है। सभी प्रतिभागियों को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग बहुत आगे तक जाएं। थैंक यू सो मच। सारे बेस्ट डांस परफॉर्मेंस के बीच में आपके सामने आने वाली हैं फर्स्ट जनरेशन की गाजियाबाद से प्राची शर्मा। हाय, मेरा नाम प्राची शर्मा है और मैं बेसिकली उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं रायन इंटरनेशनल स्कूल गाजियाबाद में क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मुझे नचले उत्तराखंड के बारे में मेरे फादर के एक फ्रेंड ने बताया था। नचले उत्तराखंड एक परफेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसने बहुत सारे लोगों को आगे आने का मौका दिया और उनका टैलेंट सबके सामने रखने का मौका दिया, और इसीलिए मैं नचले उत्तराखंड की पूरी टीम को एक बार थैंक यू कहना चाहूँगी। जब मैं टॉप 12 में सेलेक्ट हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई और लग भी रहा था कि अब और मेहनत करनी है ताकि मैं फाइनल्स तक भी पहुंच सकूं। वैसे तो सभी कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छा डांस करते हैं, मुझे सबका डांस बहुत अच्छा लगा, पर मैं कृतिका शर्मा को अपना कॉम्पिटिटर मानती हूं। फाइनल्स के लिए मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश करी है और पहले से भी ज़्यादा मेहनत करी है। वंस अगेन थैंक यू नचले उत्तराखंड। यही कहना चाहूंगा कि नचले उत्तराखंड की शुरुआत में हमें लगभग 600 वीडियोस मिले थे और कसम से तुम्हारे वो वीडियोस एक से बढ़कर एक थे। धीरे धीरे छोटी होती गई लिस्ट और आज हमारे बीच जो अगली प्रस्तुति आने वाली है इनका नाम है मानसी बिष्ट। जी हाँ, लिस्ट छोटी जरूर थी लेकिन इस छोटी सी लिस्ट में मानसी बिष्ट ने भी अपनी जगह बनाई है और देखते हैं आज मानसी बिष्ट की ये धमाकेदार प्रस्तुति। नमस्कार, मेरा नाम मानसी बिष्ट है, मैं उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल इकबालसू बाड़ा गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं बीए प्रोग्राम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे नचले उत्तराखंड के बारे में मेरे मामा जी के थ्रू पता चला। मुझे लगता है नचले उत्तराखंड तीनों जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, वो भी इस COVID-19 के समय में। जब मेरा नचले उत्तराखंड में सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, उससे ज़्यादा खुशी मेरे घर वालों को। बस तभी से मुझे था कि मुझे नचले उत्तराखंड का कॉम्पिटिशन जीतना है।
नचले उत्तराखंड में मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट नीता जोशी जी हैं। मेरे को उनका डांस बहुत अच्छा लगता है और उनके डांस में क्लैरिटी नज़र आती है। मैं नीता जोशी को ही अपना कॉम्पिटिटर मानती हूँ। नचले उत्तराखंड को जीतने में मैंने बहुत मेहनत करी और मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं ये कॉम्पिटिशन जीतूँ। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली परफॉर्मेंस की तरफ और बुलाते हैं उनको जिनका डांस हमारे जजेस को हमेशा बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर जाती हैं अपने परफॉर्मेंस में। तो स्वागत कीजिए हमारी अगली कंटेस्टेंट का, जो कि है नोएडा से, हमारी थर्ड कैटेगरी से, दीपिका बिष्ट। नमस्कार दगड़ियों, मेरा नाम दीपिका बिष्ट है और मैं नैनीताल उत्तराखंड से हूँ और मेरा सौराष्ट्र काशीपुर है। इस समय मैं जॉब की वजह से नोएडा में रहती हूँ। मुझे नचले उत्तराखंड के बारे में ऑनलाइन पोर्टल से पता चला। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। सबसे पहले मैं पूरे नचले उत्तराखंड की टीम को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने हम जैसे पहाड़ियों को जो इतनी दूर दूर रह रहे हैं उनको एक मौका दिया है अपनी संस्कृति के लिए कुछ करने का, और वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति को आगे प्रमोट कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नचले उत्तराखंड मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि मैं बहुत सालों से वो एक ब्रेक ढूंढ रही हूँ जिससे कि मैं उत्तराखंड वापस आ पाऊँ या मैं अपने कल्चर और संस्कृति के लिए कुछ कर पाऊँ। तो अगर मैं ये जीत जाती हूँ तो मैं वापस आकर के अपना खुद का एक उत्तराखंड डांस का एक क्लास खोलना चाहती हूँ। आई एम जस्ट होपिंग कि वो हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। तेरी रुमाला यो गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे नाख की नथुली। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे नाख की भली छाजी रे नाक की नथुली। हाय तेरी रुमाला गवे गलो बंदा हाथ की ढगुली, गवे गलो बंदा हाथ की ढगुली। चम चम चमकी रे कपाई
गुलाबी मुखड़ी के भली थाली रे नक की नथुली तेरी के भली थाली रे नक की नथुली आई तेरी रुमाला। और मैं आपके सामने आया हूँ फ्यूलियन पाइंस कंपनी की तरफ से। जी हाँ, फ्यूलियन पाइंस कंपनी जो कि जुनियाली डॉल को बनाती है, जुनियाली डॉल जो कि पहाड़ की पहली म्यूजिकल डॉल है। आप सभी लोगों का बहुत प्यार हमें मिला है, उसके लिए फ्यूलियन पाइंस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती है। और मैं पर्सनली धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पार्टनर्स का, जी हाँ पंकज अधिकारी और अक्की अधिकारी जी का, जिन्होंने मुझे अनुमति दी कि हम नचले उत्तराखंड को सपोर्ट कर सकें, स्पॉन्सर कर सकें। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि जो भी विनर्स हैं उन सभी को जुनियाली डॉल मिलने वाली है। मुझे पता है कि बाकी इनाम भी हैं विनर्स को मिलने वाले हैं, लेकिन जुनियाली डॉल भी डेफिनेटली आप सभी विनर्स को मिलेगी। और प्लीज़ अपना प्यार जुनियाली के लिए बरकरार रखें, बनाए रखें। यार, आज के इस फाइनल एपिसोड की होस्टिंग करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो शो 2 महीने पहले हमारे माइंड में बस एक आइडिया था कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो वो शो आज एक फाइनल लेवल तक पहुंच गया है, उसके फिनाले तक पहुंच गया है। और ये सब आप सबकी मेहनत का नतीजा है। आप इतने पैशनेट हैं अपने परफॉर्मेंसेस को लेकर, और टाइम टाइम पे वीडियोस देना, हर हफ्ते वीडियो शूट करना, नई परफॉर्मेंस की तैयारी करना, यहाँ पर दिखता है कि आप डांस के लिए कितने पैशनेट हैं, आप में कितना डेडिकेशन है डांस को लेकर। हम सभी होस्ट अपने ऑफिस के साथ साथ ये शो भी शूट करते हैं जब भी टाइम मिलता है, बल्कि संडे सैटरडे जब भी हमको टाइम मिलता है हम इसकी एंकरिंग करते हैं। उसी तरह से आप भी सारे कंटेस्टेंट कुछ ना कुछ अपना वर्क करते होंगे, और बच्चे जो हैं वो स्कूल का कर रहे हैं, पर यहाँ पर इस शो के लिए वीडियो भी शूट करते हैं और मेहनत भी करते हैं। सो थैंक यू सो मच इस शो को फाइनल्स तक लेके आने के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम को, जिन्होंने ये पहल करी और उत्तराखंड का पहला डांसिंग कॉम्पिटिशन लाया, वो भी ऑनलाइन। नचले उत्तराखंड ट्रूली एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया हमारे हॉलीवुड में, हमारे उत्तराखंड के बच्चों को एक टैलेंट शो करने के लिए मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया। उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग टीम को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। अब बात करते हैं हमारे डांसर्स की। इजी नहीं था, हमारे पहाड़ के कोने कोने से इतने बढ़िया, इतने शानदार परफॉर्मेंसेस देखना, ट्रूली बहुत मेहनत करी है आप सबने, एंड आप सब विनर्स हैं, आप सभी को कंग्रेचुलेशन। लेकिन जैसे कि फॉर्मेट है, विनर तो चूज करना ही पड़ेगा, और विनर चूज करने के लिए हमको ओवरऑल देखना पड़ता है, कॉस्ट्यूम से लेकर के एक्सप्रेशंस, फुटस्टेप्स, ग्रेसफुलनेस, सारे का एक कॉम्बो पैकेज से एक विनर चूज होता है। तो हम बात करते हैं हमारी पहली कैटेगरी का, जो कि थी फर्स्ट जनरेशन, जिसमें 5 to 15 इयर्स के बच्चों ने परफॉर्मेंसेस दिखाई अपनी। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे टफेस्ट एज होती है, जहां पर आप बच्चों को डांस करवा के साथ में उस परफेक्शन के साथ, उस कॉस्ट्यूम में, उस एक्सप्रेशंस के साथ परफॉर्मेंस करवाना। तो इसके लिए मैं उनके गुरुओं को, उनके पेरेंट्स को दिल से थैंक यू करूंगी कि आप इतनी छोटी सी एज से बच्चों को इतना सपोर्ट दे रहे हैं और ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे आगे आने का मौका दे रहे हैं। तो फाइनली हम अनाउंस करेंगे हमारे नचले उत्तराखंड फर्स्ट सीजन के फर्स्ट जनरेशन के विनर्स। मेरी नजरों में तो हमारी ये पांचों फाइनलिस्ट विनर्स हैं, लेकिन शो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें 3 विनर्स ढूंढने हैं। तो वो टॉप 3 में जो नंबर 3 पे आई हैं, वो हैं हमारी नंबर 3 पे जो आई हैं, वो हैं प्राची आर्या। कंग्रेचुलेशंस टू यू प्राची। जो सेकेंड पोजीशन पे आई हैं, उनका नाम है रिद्धिमा बिष्ट। कंग्रेचुलेशंस रिद्धिमा। और जो हमारे नचले उत्तराखंड सीजन फर्स्ट की फर्स्ट जनरेशन की फर्स्ट विनर हैं, उनका नाम है कृतिका शर्मा। कंग्रेचुलेशंस कृतिका, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का दिल से धन्यवाद,
और साथ ही मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम को भी थैंक यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस फिनाले को जज कर सकूं। एंड आई विश ऑल द पार्टिसिपेंट्स अ वेरी बिग कंग्रेचुलेशंस कि आप इस लेवल तक आए, आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला परफॉर्मेंस देने के लिए। नोबडी इज अ लूजर, सब विनर्स हैं यहाँ पे। बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे जाते रहिए। जय उत्तराखंड। और अब बारी है हमारे सेकंड कैटेगरी के रिजल्ट्स की, तो देखते हैं कौन है हमारे सेकंड कैटेगरी के टॉप 3 विनर्स। और थर्ड पोजीशन पाई है दीपाली पटवाल। और सेकंड पोजीशन जाती है नीता जोशी। और फर्स्ट पोजीशन के दावेदार हैं सूरज रोथाण। सभी विनर्स को मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, अब नचले उत्तराखंड थर्ड जनरेशन का रिजल्ट अनाउंस करने का टाइम आ गया। वैसे आप सभी को बता दूं कि कंपटीशन काफी टफ था। यहाँ कंटेस्टेंट्स के साथ साथ जजेस को भी काफी मेहनत करनी पड़ी उन्हें परखने के लिए, क्योंकि किसी के एक्सप्रेशंस बहुत सुंदर थे तो किसी का एनर्जी लेवल कमाल था, किसी के स्टेप्स इतने शार्प थे तो किसी की बॉडी बहुत ग्रेसफुल थी। लेकिन टॉप 3 पाने के लिए जजमेंट तो करना ही था। इसमें नंबर 3 पर जिन्होंने अपनी जगह बनाई है उनका नाम है दीपिका बिष्ट। और सेकंड रनर अप है अंजलि बिष्ट। और अब बारी है विनर की। जी हाँ, नचले उत्तराखंड थर्ड जनरेशन की जो विनर है उनका नाम है संतोषी कोठारी जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी कंटेस्टेंट्स को। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद नचले उत्तराखंड सीजन 1 आ चुका है समाप्ति की ओर। हमारा सभी प्रतिभागियों की कड़ी मेहनत और उनका परिवार को सहयोग और उनका डांस गुरु जितना भी लोग छा और आप सभी लोगों का प्यार की वजह से आज हम ये डांस कॉम्पिटिशन तय जैसे कि हम ऑनलाइन डांस कॉम्पिटिशन नचले उत्तराखंड को 9 दे वहां तक कन्मा सफल वे सके छा। आप सभी लोगों को दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नचले उत्तराखंड का सीजन 1 भले ही उसके समाप्ति पर है, पर हम ये वादा करते हैं कि फिर से आएंगे हम सीजन 2 को लेकर एक बहुत बड़े लेवल के साथ और बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ। नचले उत्तराखंड को ये सफर हमेशा इन्नी अगने चलती रहू। बाकी आप सब लोगों ने मुझे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी। बहुत सारे लोगों ने इतना बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस देने हर जनरेशन का, जितना बड़े यंगस्टर्स हैं उन भी हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी। लेकिन हार जीत खैर चलते रहूँ हमेशा, लेकिन हमारा जो परफॉर्मेंस है जितना भी हम उन देखे ना अपनी तरफ बैठे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। और साथ साथ मजी मैं आप सब लोग तो बोलना चाहूँगा कि आप सब लोगों की वजह से हमारे जो नचले उत्तराखंड का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहे और आपको आशीर्वाद हम तक आगने चाहूँगा। बाकी पूरी टीम तय बहुत सारी बधाई है मेरी तरफ बैठे, स्पेशली आप लोग जो कि हमारे व्यूवर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हम तक बहुत सारा प्यार देनी, ढेर सारा प्यार देनी और यही ये प्यार तो हम तक दे रहे हैं। और आप लोगों तय हम लोग एक और सीजन का साथ आपका सामने ओला और अच्छा तरीके से आप लोग मेहनत करें। नचले उत्तराखंड की टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी लोगों तक ढेर सारी बधाइयाँ और आप लोग ये तरीके से हम तक प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों धन्यवाद आप सभी लोगों का, इतना प्यार आपने नचले उत्तराखंड को दिया। नचले उत्तराखंड की पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए ये पहला उत्तराखंड का पहला ऑनलाइन डांस कॉम्पिटिशन की शुरुआत की और बहुत ही बहुत धन्यवाद करते हैं हम आप सभी लोगों का। अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ साझा करना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि जीते वो जो प्रतिभाग करे, जीते वो जो प्रतिभाग करे और हारे भी वो जो शुरुआत करे। न जाने आपकी अगली कौन सी जीत पिछली हार से सीखने की बात करें। जी हाँ, द्वंद्व जारी है और जारी रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी वीडियोस अब नहीं आएंगी। अगर आप पहाड़ी गानों पर डांस सीखना चाहते हैं तो आशीष बोरा लाइव
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आशीष बोरा लाइव यूट्यूब चैनल पर और मेरे पेज आशीष बोरा लाइव और इंस्टाग्राम आशीष बोरा लाइव पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए। तो तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।